मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रीति कोहली विल बी कंटिन्यू चैप्टर 15 एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत। इन आवर अर्ली वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक एंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। द इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो थाउजेंड से आज से हजारों साल पहले स्टार्ट हुई थी। इट इज़ नेम सो बिकॉज इट डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस रिवर नॉर्थ वेस्ट में, भारत के नॉर्थ वेस्ट में और पाकिस्तान में इंडस जो रिवर थी, नदी, उसके किनारे पर ये सभ्यता डेवलप्ड हुई थी। इट वॉज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। ये लगभग बहुत बड़े लार्ज एरिया पर फैली हुई थी। दिस द इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन हैव बीन अनहार्टेड इन मोहनजोदारो, हरप्पा एंड चुंदारो इन पाकिस्तान एंड कालीबंगन, धोलावीरा एंड लोथल इन इंडिया। ये जो सभ्यता है, ये जो सिविलाइजेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि ये मोहनजोदारो, हरप्पा और चुंदारो जो कि पाकिस्तान में है, और कालीबंगन, धोलावीरा एंड लोथल जो कि भारत में है, वहाँ पर ये सभ्यता स्थित है। टाउन्स एंड सिटीज द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन टाउन प्लानिंग। जो इंडस सिविलाइजेशन है वो टाउन प्लानिंग में बहुत अधिक इसने प्रोग्रेस की, एक आश्चर्यजनक प्रोग्रेस की। द रोड्स वर ब्रॉड एंड स्ट्रेट। जो रोड्स हैं वो बहुत चौड़ी चौड़ी और सीधी थी, लंबी थी। बॉन्ड ब्रिक्स वर यूज टू पेव। जो बॉन्ड ब्रिक्स हैं, जय पक्की ईंटों से स्ट्रीट्स को बनाया गया था और हाउसेस को भी बहुत पक्की ईंटों से बनाया गया था। द सिटीज़ हैड प्रॉपर ड्रेन्स। हर एक सिटी में, हर एक शहर में प्रॉपर ड्रेन्स सिस्टम था, विच शो दैट द पीपल पेड अटेंशन टू क्लीनिनेस। इस सिस्टम को देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग क्लीनिनेस या सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देते थे। सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स सच एज द ग्रेट बाथ, अ ग्रीनरी एंड अ डॉकयार्ड हैव बीन फाउंड इन दीज सिटीज। कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे आपका ग्रेट बाथ है, ग्रीनरी है एंड डॉकयार्ड भी यहाँ पर इन शहरों में पाए जाते हैं। द हाउसेज वर मेड अ मड ब्रिक। जो हाउस है ये भी मड ब्रिक्स पर और के बने होते हैं, और बाथरूम्स और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही गुड है, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इंडस सिविलाइजेशन में। जैसे कि आपको यहाँ पर इन पिक्चर्स में भी शो है, रूइंस ऑफ द ग्रेट बाथ, ग्रीनरी इन हरप्पा, रिमेन्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल। तो इन जो सिस्टम्स को देखकर लगता है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह प्रॉपर सिस्टम को अपनाते थे। उनकी टाउन प्लानिंग भी रिमार्केबल थी, बहुत प्रोग्रेसिव थी।